3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। गुलाबड़ी रेलवे फटक के पास स्थित गोदाम में लगी आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। कांग्रेस ने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की मनाई पुण्यतिथि, जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर फूल माला अर्पित कर किया याद, बड़ी संख्या में कांग्रेसजन पहुंचे श्रद्धांजलि देने। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर अपनी एक दिवसीय यात्रा पर आई अजमेर, आकार संस्थान के कार्यक्रम में लिया भाग, कार्यक्रम में उपस्थित जनों के विचारों को सुनकर दिए जवाब। इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस सेवा दल ने आयोजित किया ध्वज वंदन कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार अब से हर रविवार हर विधानसभा जिले में होगा ध्वज वंदन कार्यक्रम, बड़ी संख्या में कांग्रेसजन शामिल। सिराजपुत कन्नी सेना के संरक्षण लोकेंद्र सिंह कालवी ने अजमेर में की प्रेस वार्ता, चित्तौड़ पर मनाया जाएगा कन्नी सेना का जन्मदिन, चित्तौड़ की धरती पर होगा राष्ट्रव्यापी सम्मेलन। सिराजपुत कन्नी सेना के संरक्षण लोकेंद्र सिंह कालवी की प्रेस वार्ता में पहुंचे पीरदान, अपनी समस्या रखी कालवी के सामने। जेएल मेडिकल कॉलेज में हुआ देहदान, महावीर इंटरनेशनल की प्रेरणा से मृतक संतोष कौर के शव को परिजनों ने किया देहदान, आज सुबह हुआ देहांत। ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की आयोजित हुई प्रेस वार्ता, वेतनमान संशोधन की कर रहे हैं मांग, 53 माह से पड़ी है अपूर्ण। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonhind.com। सच के साथ।